तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास आयावर में। और आज है महाशिवरात्रि का दिन और हम लोग आए हुए हैं फाफा मऊ, जो प्रयागराज का एक जनपद के अंदर आता है। और ये शिवपुर गांव है, पडिला महादेव का मंदिर है जिन्हें पांडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ आज के दिन मेला लगता है और हम लोग हम हर्ष आए हैं साथ में, एक और दोस्त उनके आए हुए हैं सिद्धार्थ, मेला देखने के लिए सिद्धार्थ। तो चलिए देखते हैं मेला। तो यहाँ एक हवाई पट्टी है, वहीं के पास ये पार्किंग बनी हुई है। हम लोग शॉर्टकट रास्ते से आए हुए हैं तो यहीं से मेला प्रारंभ होता है। और मेले तक पहुँचने के लिए हमें गांव के बीच से होकर के जाना पड़ेगा। पार्किंग से हम लोग मंदिर तक जा रहे हैं, वो रास्ता एक गांव की गली से होकर के जाता है। जड़ी बूटी है कोई इतने ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो भाई हम लोग शॉर्टकट रास्ता होकर के आए हैं जो कि एक गांव के बीच से होकर के निकलता है। तो बीच में कई सारे घर थे, गलियों के बीच से हम लोग निकल के आ रहे हैं। हम लोगों ने जैसे ही गांव को पार किया तभी से मिठाइयों की दुकानें दिखने लगी और हम काफ़ी करीब आ चुके हैं मेले के। यहां से मंदिर का गुंबद दिखाई देने लगा है और मेले में आए हुए लोगों की भीड़ भी यहां से दिखने लगी है। तो चलते हैं, पहले पांडेश्वर महादेव के मंदिर पर दर्शन करते हैं, उसके बाद घूमते हैं मेला। तो हम लोग मंदिर के परिसर में आ चुके हैं लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और आसपास फूलों की दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ से फूल माला और भी जो प्रसाद सामग्री है वो मिलती है। और यहाँ की भीड़ आप लोग देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि जाना किधर है। तो पांडेश्वर महादेव जी का मुख्य मंदिर यही वाला है और यहाँ हमें जाना है, लेकिन इतनी ज़्यादा अफरा तफरी और भीड़ का माहौल है कि रास्ता समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर तैनात सिपाहियों ने हमें इधर से कहीं से जाने के लिए रास्ता बताया है। अभी हम यहाँ के एक पौराणिक कहानी भी बताएंगे यहाँ की स्थापना के बारे में, लेकिन पहले हम आपको दर्शन करवाते हैं उसके बाद। भीड़ थी तो कुछ लोगों ने बताया कि पीछे के रास्ते से जाएं धर्मशाला की तरफ से, उधर से आसानी से दर्शन हो पाएंगे। तो हम लोग दूसरे रास्ते से आए हैं और ये बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए हैं। Thank you.
रास्ते में भीग गया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी। और अंदर जैसे गया लोग लोटे में जल लेकर के ऊपर सिर के ऊपर कर लेते थे, छलक छलक के ऊपर गिर रहा था। इसी तरह हमारा मोबाइल और गिम्बल बच गया है। और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। के पास यहाँ पर महाशिवरात्रि का एक मेला भी लगा हुआ है, तो चलते हैं मेले की कुछ झलक आपको दिखाते हैं। घर बना लें नाजुक पपड़ी उछलता हुआ रस बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फिर दिखा दो। दोस्तों यहाँ पर आज महाशिवरात्रि का मेला था, तो मेला इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मतलब दुकानें बहुत कम थी लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मंदिर के पास ही थोड़ी अव्यवस्था थी, वहाँ बहुत मुश्किल थी, हम लोगों ने अंदर का वीडियो नहीं बना पाए। अब वापस हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने यहाँ के दर्शन कर लिए हैं, मेला भी घूम चुके हैं, तो यहाँ की एक पौराणिक मान्यता है तो उससे मैं अवगत कराना चाहता हूँ आपको। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में इस मंदिर की स्थापना की थी पांडवों ने, जब प्रयागराज प्रवास के दौरान यहाँ पर वो रुके हुए थे। और पांडवों के इस मंदिर स्थापना के बाद इस मंदिर की प्रसिद्धि इतनी दूर दूर तक फैली कि आज भी जब यहाँ मेला लगता है सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के दिन, तो 4-6 दिनों के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं।
यहाँ दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की यह मान्यता है कि यहाँ पर जो सच्चे दिल से मुरादें मांगी जाएँ, जो मनोकामना मांगी जाए वो पूरी होती हैं। तो जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है उसके बाद यहाँ श्रद्धालु लोग निशान लेकर आते हैं और यहाँ पर लाठियाँ भी चढ़ाते हैं। तो इस मंदिर की और भी कोई कहानी हो, कोई ऐसी बात हो जो हमने आपको ना बताई हो और किसी को इसमें पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।